हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भाइयों के बीच में संपत्ति का और पैसे का विवाद क्यों होता है। यानी जो हमारे भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, तो उनके साथ संपत्ति का विवाद क्यों होता है। ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारे जो छोटे बड़े होते हैं, उनके साथ कई बार संपत्ति का विवाद हो जाता है। तो इसको जानने के लिए आपको अपने मून चार्ट को, लगन चार्ट को, चलित चार्ट को, तीनों चार्टों को देखना है। और तीनों चार्ट में आपको थर्ड हाउस और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है, बिकॉज थर्ड हाउस का संबंध है छोटे भाई से और इलेवेंथ हाउस का संबंध है बड़े भाई से या बड़ी बहन से। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट। इसमें थर्ड हाउस का संबंध है छोटे भाई और छोटी बहन से, इलेवेंथ हाउस का संबंध है बड़े भाई से और बड़ी बहन से, फोर्थ हाउस का संबंध है प्रॉपर्टी से, सेकंड हाउस का संबंध है लिक्विड मनी से यानी कैश मनी से। थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सिक्स्थ हाउस में होता है, थर्ड हाउस यानी छोटा भाई, फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, सिक्स्थ हाउस यानी झगड़ा, अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो छोटे भाई के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ सिक्स्थ हाउस में अगर होता है तब भी झगड़ा हो सकता है। फोर्थ हाउस सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं भी प्लेस होते हैं तब भी छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेके और कैश मनी को लेके झगड़ा हो सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठता है तब भी छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई पंगा, और सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर केतु के साथ बैठता है या राहु के साथ बैठता है और सिक्स्थ हाउस में बैठता है तो छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो सकता है। और इसके ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो जो झगड़ा है वो बहुत लंबा चलता है। केतु अगर बैठता है तो केतु का मतलब यह है कि आप उस झगड़े को इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में आप वहां से बाहर आ जाएंगे। राहु की प्लेसमेंट अगर होती है थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ, राहु सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है तो भाइयों के साथ जो झगड़ा है वो कई गुना बढ़ जाता है, स्पेशली छोटे भाई के साथ। अगर ऐसा ही योग आपके इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ बनता है, इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है तो बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा, इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सिक्स्थ हाउस में है तब भी कैश मनी को लेके बड़े भाई के साथ झगड़ा, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड होता है तब भी आपका झगड़ा आपके बड़े भाई के साथ हो सकता है। राहु और केतु की प्लेसमेंट अगर इलेवेंथ हाउस फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सिक्स्थ हाउस में होती है या ट्वेल्थ हाउस में होती है तब भी प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो सकता है। इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में है और इन दोनों हाउसेस में अगर राहु या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या इनके लॉर्ड्स के ऊपर अगर राहु या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी प्रॉपर्टी को लेके बड़े भाई के साथ झगड़ा हो सकता है। और जैसे मैंने केतु के बारे में बताया कि केतु जो है वो आपका इनिशियल लाइफ एक्सपीरियंस है, राहु जो है वो आगे का एक्सपीरियंस है। राहु जिस हाउस को देखता है, जिस हाउस के लॉर्ड को देखता है या जहां पर राहु प्लेस्ड होता है उन चीजों को राहु एम्पलीफाई कर देता है, सैटर्न उन चीजों को थोड़ा सा स्लो कर देता है और काफी लंबे टाइम तक आपको उन चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है और थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ होता है तब भी छोटे भाई के साथ झगड़ा हो सकता है, और अगर इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ होता है तब बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो सकता है। थर्ड हाउस या इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड्स अगर सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सेकंड हाउस में बैठते हैं तब भी छोटे बड़े भाई के साथ झगड़ा हो सकता है। थर्ड हाउस और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड्स अगर फोर्थ हाउस में या सेकंड हाउस में राहु केतु या शनि के साथ बैठते हैं तब भी छोटे और बड़े भाई या बहन के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बन रहा है और ऐसे योग को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या आप किसी ऐसी चीज को फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।